So, can you able to see my screen now? Hello. यस सर। ओके ओके ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस नए सब्जेक्ट को लेके। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर टुडेज फर्स्ट लेक्चर फॉर द कोर्स मेजरमेंट। सो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं हाउ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर बीइंग मेजर्ड एंड उसमें कौन से तरीके होते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर्स आर देयर, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स आर देयर, हाउ दिज इक्विपमेंट्स आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू गेट द वैल्यूज ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वांटिटी विच आर अंडर मेजरमेंट। तो ये सारी चीजें हम आज ये लेक्चर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सिलेबस को, एज वेल एज ये टोटल सेमेस्टर में आगे जाके हमें ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन जो है उसका वो आज करके लेने वाले हैं। सो लास्ट सेमेस्टर में हमें शायद इतना वक्त मिला था, नहीं मिला था, आई डोंट नो, बट आई वांट यू ऑल टू बी इन अ पार्टिसिपेशन जोन। पार्टिसिपेशन जोन का मतलब ये है कि आप जो भी इस समय सीखने वाले हैं, आपको एक टेक्स्ट बुक या फिर आपको एक स्टडी मटेरियल गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको डेली इन टर्म्स ऑफ योर लेक्चर्स प्री रीडिंग, मतलब प्री रीडिंग का मतलब है लेक्चर को आने के पहले उसको दो चार पॉइंट्स जो है उसको पहले आपको क्या करना है, रीड करना है, एंड जो भी होमवर्क बताया जाएगा वो भी आपको इसमें कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज द थ्योरी कोर्स। ये कोर्स में आपका अटेंडेंस, आपका जो इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो सब्जेक्ट को, वो ये सारी चीजें मायने रखती है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आपका अटेंशन देंगे, आप अटेंड करेंगे प्रॉपरली, इसके जितने भी क्विज रहेंगे, जितने भी एग्जाम्स रहेंगे, वो सारे क्विज एंड एग्जाम्स आपको देने हैं विदाउट फेल। ओके, अदरवाइज आपको इसमें डिटेंशन भी मिल सकता है या आप इसमें फेल भी हो सकते हो। तो ये सबसे पहले लेक्चर में आपको सबको बताना चाहता हूँ। तो मेक श्योर योर अटेंडेंस शुड बी देयर एंड यू शुड अटेंड इट प्रॉपरली। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके तो अभी बढ़ते हैं हमारे ये सब्जेक्ट के लिए कि हम मेजरमेंट को हर बार क्या करते हैं। हमारे एवरीडे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट होता है मेजरमेंट। जैसे कि हम अगर हम टाइम से शुरुआत करेंगे, सो वी स्टार्टेड मेजरिंग द टाइम, वी स्टार्टेड मेजरिंग द फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ऑल्सो वी स्टार्टेड मेजरिंग ऑल द लिक्विड एंड द क्वांटिटीज विच वी वॉन्ट इन आवर डेली कंजम्पशन। ओके, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो मेजर द लेंथ, मेजर द टेम्परेचर, एंड दीज ऑल मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन फिजिक्स इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो भी हमें मेजरमेंट जो ये प्रोसेस है वो काफी इम्पोर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टू आइडेंटिफाई हाउ मच इज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउ मच इज योर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइटिंग इज रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ कूलिंग इज रिक्वायर्ड, कितने टन का एसी आपको लगाना जरूरी है टू बीट दिस हीट। ओके, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है, एंड कैलकुलेशन के लिए मेजरमेंट जो है वो जरूरी है। सो आई गेस आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया है। अभी इसमें क्या है, टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना इन फिजिक्स और इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे उसके लिए हमें मेजरमेंट का जरूरत है। वी रिक्वायर्ड वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, डायमेंशन, एंगल। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो विच आर दोज पैरामीटर्स विच वी वॉन्ट टू मेजर, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स वॉट वी आर गोइंग टू मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या क्या मेजर करते हैं हम लोग, करंट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो वॉट यू नो। ओम सी एस प्रणय, वोल्ट संदीप, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, करंट वोल्टेज, यस वॉटेज, ओके ओके, करंट रेजिस्टेंस संदीप, यस पावर फैक्टर, लक्स लेवल, यस टेम्परेचर रेजिस्टेंस, पी एफ पावर फैक्टर, वैट वैटेज, ओके लक्स, ओके देन वी हैव पोलैरिटी, यस टेम्परेचर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, यस एडी करंट्स, परफेक्ट परफेक्ट, कंडक्टेंस, यस इंडक्टेंस, आई आर वैल्यू,
Yes, go ahead. Continuity, resistance, yes. EMF, yes. Electromotive force of the battery, yes. Hygroscopic level, okay. Wavelength, tan delta, yes. Impedance. So these all are the different parameters in electrical engineering which we are supposed to measure. Yes, Bhavesh, MMF, right. So these all things we are going to measure, and how we are going to measure it, which equipments are there, how to use these equipments, and what are the advantages and disadvantages related with that instrument, that all things we are going to understand. Now only that instruments are not enough, we need to identify how these instruments are related to each other, they can be connected to each other, and how this particular automation and how this system of controlling the various parameters are being connected with the measurement process. So let's see what physical quantity is all about and how we are going to measure it. Definitely for measurement we required a unit. That is a very important term to understand. So whatever the terms you have just mentioned over here, starting from the voltage, current, power factor, frequency, all we need is a unit. Unit of that particular parameter. So how many units you know? Basically volts is one of the unit, okay, it is not the parameter. Parameter is potential difference. Okay, I hope I am able to reach to you. Mera awaaz aapki taraf pahunch raha hai. Definitely sound is also one of the important parameter, and its unit is decibel. So ampere, yes, ampere, watts is a unit, hertz is a unit, yes. Go ahead, I want some units from you now. Henry, yes, Vivek, right. Ohms, kilowatt hour, yes. Go ahead. Coulomb for the charge. KVA, KVAR, yes. Ohm meter is the instrument. Aniket me. Celsius for temperature, right? Yes. Farad for your capacitance, yes. Very true. Now we have seen different units for physical quantities as well, like kilograms, foot, meter, inch, pound, second, minute, hours for time, Fahrenheit, Kelvin, yes, lumens, lumens, yes. Okay, perfect. Temperature, okay. So we have got to the units. Now, aur kuch units aapko yaad aa raha hai? Anyone? Okay, so now we have understood from, let me go through your chat. So we have gone through with the parameters and the units. Now we are going to focus on the instruments, okay? So what are those instruments which are used to measure this particular? Have you seen the screen dikh raha aapko? Yes, sir. Okay. So basically we have a device which is comparing the unknown quantity with the known quantity, or we can say a standard quantity, okay? So that is called as a measuring instruments. Now how the instruments are measuring is just by comparison. So you know that in comparison there are chances of error. Error ho sakta hai, and because of the error there is some small discrepancy between the actual value or standard value and the quantity which we are actually measuring. Okay, so ye aapko dhyan mein rakhna hai, these two points. Apart from that, we need to identify that whenever we have these instruments, the instruments are actually following a procedure. Okay, what instruments are following? They are following a procedure, and that procedure is explained by the block diagram. Now what do you mean by block diagram? Block diagram is a simple diagram in which you are actually concerned about the procedure, the elements, and those elements are kept in one particular order. Order matlab kya? Ek sequence mein usko kya kiya jata hai? Rakha jata hai. And wo sequence mein apna kaam jo hai, wo karte hai. Okay? So this is what we call it about the instruments. Now, what about the examples of these instruments? Like if someone says Megar, ohm meter, Sandeep says, Homesh says, voltmeter, ammeter, frequency meter, multimeter. Yes, or koi meter aapke yaad mein hai, to you just type it in the chat box. Anyone? Yes, just type it in the chat box. Yes. LCR meter, watt meter.
PF meter, yes, specific gravity, hygroscope, okay, multimeter, galvanometer, yes, gauge meter, okay, meager, earth tester, okay, line tester, earth leakage tester, anemometer, yes, phase sequence indicator, yes, perfect, tachometer, yes, perfect, Akshay nahi, kisne bulaya, Pranay. So now we are going to identify these types which you are able to see in the screen. So draw all these points which are mentioned in this chart, how the electrical instruments are classified. ठीक है, हो गया ये लिख के आपका. So first we have absolute instrument, secondary instrument. क्या होता है देखते हैं. Absolute instruments are those instruments which are actually आपका जो quantity है वो quantity को use करके आपके measurements को show करते हैं या उसको दिखाते हैं. Secondary instruments मतलब आप क्या करेंगे, वो particular parameter जो आपको measure करना है वो मेजर करने के लिए कोई दूसरे पैरामीटर में उसको आप कन्वर्ट करोगे और उसके बाद वो पैरामीटर को मेजर करोगे. मतलब हमें अगर टेम्परेचर मेजर करना है फ्लेम का, तो फ्लेम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ वेरी व्हाट यू कैन से यू रिक्वायर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर रेंज, राइट. अगर आपके पास फ्लेम है कोई फर्नेस में अगर आपको मेजर करना है, सो व्हाट यू विल डू, फर्नेस का टेम्परेचर जो काफी ज्यादा है उसको मेजर करने के लिए यू विल ट्राई टू मेजर द वॉल्स ऑफ द फर्नेस. तो उसका टेम्परेचर आप मेजर करोगे जो आपके फर्नेस के टेम्परेचर की वजह से गर्म हुए है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जो सेकेंडरी लेवल पे जाके आपका मेजरिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं. ओके, ये समझ में आया आपको, परफेक्ट. उसके बाद एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें दो टाइप है, एनालॉग एंड डिजिटल. एनालॉग टाइप का मतलब ये है कि द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर गिविंग यू द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ईच मोमेंट, और यू कैन से द कंटिन्यूअस सिग्नल इज बीइंग यूज्ड फॉर हैविंग द रिजल्ट. तो मतलब आपको अगर रिजल्ट उसका कंटिन्यूअस पैटर्न में चाहिए तो आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से वो मिलेगा. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग द डिस्क्रीट टाइम फंक्शन इन विच यू कैन से, अगर आपके पास एक वेवफॉर्म है तो वो वेवफॉर्म को वर्टिकल स्ट्रिप में अगर हमने काटा तो जिस तरह से वो पैटर्न बनेगा तो उसे बेसिकली हम डिस्क्रीट टाइम फंक्शन बोलते हैं. डिस्क्रीट लेवल पे जाके वो क्या करता है, आपके सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में, जस्ट लाइक अ वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म कैसा होता है ऐसे स्क्वायर वेवफॉर्म, उसके जैसा वेवफॉर्म में आपको रीडिंग जो है वो बताएगा, तो उसे कहते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. नाउ वी हैव डिफ्लेक्टिंग and null deflecting instruments. So you might have seen some instruments which are just having a two side range. जैसे आपने galvanometer को देखा होगा, so galvanometer has a two side range और जो आपका pointer है वो zero पे हमेशा रहता है और वो कभी right side जा सकता है कभी left side जा सकता है, तो उसे बोलते हैं null deflecting instrument. और जो आपके एमीटर है, वोल्ट मीटर है, जिसमें आपका पॉइंटर जीरो पे रहता है और आपका जो पॉइंटर का मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ होता है, जैसे कि जीरो से लेके समझो 10 एम्पियर तक या जीरो से लेके 400 वोल्ट तक, तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स. डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में तीन टाइप आते हैं. एक आता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज द वर्ड, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि वो आपको सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, जैसे ही वो पैरामीटर निकल गया वो वैल्यू भी निकल जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. जस्ट टाइप यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटिंग मतलब कि जैसे ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, इंडिकेटर बताता है कि अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आके चली गई तो इंडिकेटर का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अगले ट्रेन का आ जाता है. सो That is what we call it as an indicating instrument. और थोड़ा easy language में बताने की कोशिश करूँगा. तो आप कुछ grocery shopping कर रहे हैं और आप grocery का समझो 5 kg का आटा या कुछ तो है जो आपने weighing scale पे रखा है. जब तक वो weighing scale पे है तब तक वो आपको उतना value दिखाएगा. और थोड़ा easily समझाने की कोशिश करूँगा. तो you have seen the vehicles. Vehicle में स्पीडोमीटर रहता है, तो अगर आपका व्हीकल 60 के स्पीड पे है
तो ही वो 60 का स्पीड दिखाएगा। मतलब अगर वो टूटा है, खराब हो चुका है तो उसकी बात अलग है, बट अगर आप 60 के स्पीड पे चल रहे हो तो ही वो 60 का इंडिकेशन देगा। उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कोई भूकंप आता है तो भूकंप का जो रिस्टर स्केल रहता है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के इसमें आता है, कि जिसमें बहुत बार वाटर टैंक का जो वाटर लेवल रहता है उसके जो रिकॉर्डर्स रहते हैं, कि एज पर द डे काउंट, डे वन में टैंक में कितना फ्यूल था, डे टू में कितना हुआ, वो ऐसा फिर उसके ऊपर वो मार्क करके कम ज्यादा होता है। ओके, जैसे आपने ईसीजी देखा होगा, अभी तो बहुत डिजिटल ईसीजी आते हैं, बट इफ यू आर फ्रॉम सम ओल्ड स्कूल तो आपने 2-3 साल पहले वगैरह अगर देखा होगा तो देर इज अ पेपर के ऊपर ईसीजी आता है। कितने लोगों ने देखा है पेपर ईसीजी? जस्ट टाइप पेपर ईसीजी, ईसीजी लिखो, यस सिर्फ ईसीजी लिखो, यस यस गौतम से यस देखा है उन्होंने, यस पेपर पे ईसीजी आता है। तो वो ईसीजी का मशीन जिस तरह से काम करता है, वो इंक का एक निडल रहता है उसके ऊपर, तो दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, देन वी हैव वेरी यूनिक एंड वेरी डे टू डे लाइफ में काफी उसका इफेक्ट है हमारे लाइफ पे, एंड दैट इज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से क्या आता है, बिल आता है ना, तो वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कि एक महीने से शुरुआत करता है, वो महीने के 1 तारीख से शुरुआत करता है, महीने के 30 तारीख तक देखता है वो कि रोज इसने कितना यूज किया, और उसको वो जोड़ते रहता है, आज 5 यूनिट खर्च किया मतलब कंज्यूम किया, उसके बाद 10 किया तो वो 15 हो गया, फिर उसके बाद वापस 10 किया तो 25 हो गया, लाइक दैट इट इज कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन इंटीग्रेटिंग। तो वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो टाइप को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, काफी जरूरी सवाल है, नीड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाई वी आर एक्चुअली लर्निंग दिस सब्जेक्ट, हमारे ये सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है, क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी, और लाइक आप रेसिडेंशियल कंसिडर करो या कमर्शियल कंसिडर करो, तो वहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर द एनर्जी बिल के लिए बट ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस सेफ्टी पैरामीटर्स एंड द कंजम्पशन रिलेटेड पैरामीटर्स, लाइक ओवरलोड हो रहा है क्या, या वेदर देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उसमें काफी ज्यादा योगदान रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, वेदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, मेनी मोर, सब जगह पे हमें क्या लगता है अभी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगता है। यस, सेफ्टी के लिए लगता है, एग्रीकल्चर में पंप के लिए लगता है, वेदर में वी नीड फॉर एयर कंडीशनिंग के लिए लगता है। सो हर जगह पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरिंग प्रोसेस जो है वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक बार इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद लिया या एक बार हमने वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चालू किया तो आपका इंस्ट्रूमेंट लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा। तो उसमें जरूरी है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किया जाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैलिब्रेशन, एनीवन? चेकिंग, विवेक से चेकिंग। सो एज यू नो, एज वी आर इन अ बेसिक, एज वी हैव सीन इन द बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट करता है कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी का आपके स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। बट क्या होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो कंपैरिजन है वो हर बार रिपीटेड रिपीटेड करने के बावजूद क्या होता है, वो कभी कभी वो कंपैरिजन अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर वो अच्छे तरीके से कर रहा है क्या, ये हमें देखना जरूरी होता है। एंड उसके लिए कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो यूनिट है, स्टैंडर्ड जो आपका पैरामीटर है, उस स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ कितने परसेंट आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेल खा रहा है, कितना परसेंट वो एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। और जितना स्टैंडर्ड के साथ उसका एक्यूरेसी रहेगा उतना ही एक्यूरेसी उसका अननोन क्वांटिटी
क्वांटिटी के साथ रहेगा। इसका मतलब ऐसा है, आपके पास डिजिटल वेइंग स्केल है या कोई शॉप में है और वहां पे आप आपके कोई दूसरे शॉप में से 1 kg का बना बनाया जो वेट है वो लेके जा रहे हो और देख रहे हो कंपेयर करके, ये तो 1 kg का वेट है, ये 1 kg का वेट डिजिटल पे भी उतना ही दिखाता है कि नहीं, बराबर। बट अगर ये सारी चीजें हर कोई करने लगेगा तो उसको कैलिब्रेशन नहीं बोलते हैं। कैलिब्रेशन उसको बोलते हैं जब कोई स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये चेकिंग का काम देते हैं और वो उनके लेबोरेटरी में उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के इकोसिस्टम के अंदर इसे यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट इट एज अ कैलिब्रेशन। ओके, सो वी नीड टू कैलिब्रेट इट सो दैट इट विल गिव द प्रॉपर रीडिंग। सिमिलरली वी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हैविंग अ सेफ्टी सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स है वो अच्छे से ऑपरेट करे, मतलब वो अच्छे से ऑपरेट या ऑपरेटिंग कंडीशन में रहे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग एन एमीटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, बट इफ द करंट वैल्यू इज बियॉन्ड द लिमिटिंग वैल्यू देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ ओवरलोड कंडीशन एंड ओवरलोड कंडीशन में लीड टू अ फायर और एनी हजार्ड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अभी कौन काम में आया, दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज देयर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत है। वी आर गोइंग टू यूज दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वराइटीज ऑफ पर्पस। कौन से है देखते हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज एमीटर, करंट का वैल्यू मेजर करता है। एडवांटेज क्या है, वी कैन इजीली नोट इट डाउन, द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कंपोनेंट। नेक्स्ट वी हैव वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दोनों में काम में आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को ये वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है, मेजर करता है। ओके, पीएफ मेजरमेंट बाद में, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। कमर्शियल वोल्टमीटर आल्सो देयर व्हिच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली हाई वोल्टेज रेटिंग्स भी होती है उसमें, ये सारी चीजें उसमें इम्पोर्टेंट है। वैट मीटर हमने एक्सपेरिमेंट में जैसे देखा था, दिस यूज फॉर मेजरिंग द पावर। ओके, विच पावर, एक्टिव पावर। ओके, ऑल्सो वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रिएक्टिव पावर, बट उसका कनेक्शन हम लोग ये इसमें ये चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक हम लोग आज के लिए इधर ही रुकते हैं फॉर दिस कंटेंट बेसिकली, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे द क्वालिटीज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटीज ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। फर्स्ट वी हैव सीन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजरिंग सिस्टम। तो आपके स्क्रीन पे अभी मैं सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, क्यूरिकुलम मतलब सिलेबस आपका। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आता है, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर मतलब काफी आधा एक घंटा पहले, आधे एक घंटे से यही देख रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वालिटीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट प्रोसेस, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं एक एक करके। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स विच आर बींग यूज। तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसमें आपको काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो भी हम क्लास में ले रहे हैं, मेक श्योर यू प्रिपेयर अ प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस। ऑल्सो आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर मतलब ये क्लास में, IMI के क्लास में आपको काफी ज्यादा सीरियस रहना है, सब लोग ध्यान देंगे। ओके, इस पे जरा फोकस करो। ओके, ये क्वालिटीज किधर गए, क्वालिटीज ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी मतलब है कि आप जब भी मेजरमेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कितना भी चेंजेस वेरिएशन उसमें आएगा, स्टिल योर डिवाइस शुड बी इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड यू द प्रॉपर रिजल्ट। ओके, प्रॉपर रिजल्ट जो है उसने देना चाहिए इफ यू आर कंपेयरिंग इट विथ मेनी इंसिडेंट्स और मेनी अननोन क्वांटिटीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तभी।
Stability, accuracy, precision, resolution, sensitivity and linearity, ये सारे qualities है. Accuracy का मतलब ये है कि आप अगर 5 volt का potential difference है तो instrument should also give 5 volts. Okay? Precision का मतलब ये है कि अगर उसको हम बार 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 continuous 5 volts दे रहे हैं measure करने के लिए, तो उसने भी continuously 5 volts ही क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए. ओके, तो वी हैव दैट प्रिसीजन. मतलब प्रिसीजन मतलब क्या, हर बार कितना भी हो जाए उसको सेम रिजल्ट दिखना. स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो हम लोग देख रहे हैं उसका मीनिंग ये है, रिटेन द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द स्पेसिफाइड स्टोरेज लाइफ. जितनी भी बार आप उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करो, दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेबल फॉर अननोन क्वांटिटीज ऑफ, और वी कैन से द अननोन टाइम्स द मेजरमेंट प्रोसेस इज रिपीटेडली अगेन एंड अगेन. मतलब जितने भी बार आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू गो ऑन द पेट्रोल पम्प मल्टीपल टाइम, बट आपको जो पेट्रोल मिलता है दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ऑल द टाइम. मतलब अगर आपने हर बार बोला कि उसको 1 liter पेट्रोल देना है, तो हर बार वो इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करेगा, 1 liter ऑफ पेट्रोल इज गिवन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी. ठीक है, so these all are the qualities of measurement. If you want to take a screenshot, you can take it, or these all presentations are available in the Google Classroom. अभी आप बोलेंगे सर कैसे, तो ये जो आपको PDF यहाँ पे दिख रहा है स्टडी मटेरियल का, ये स्टडी मटेरियल के PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है आपको, और ये टॉपिक के सामने PPT का लिस्ट है, और PPT के सामने उसी टॉपिक के ऊपर MCQs का लिस्ट है. तो अभी जो हम लोग देख रहे थे नीड ऑफ मेजरमेंट, उसका ये आपके लिए MCQ क्वेश्चंस भी है. तो जो जो टॉपिक पढ़ा के हो गया, जो जो टॉपिक पढ़ा के हो गया वो आपको उस PDF में मिलेगा. ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो ये बेसिकली MCQ क्वेश्चंस भी है उसी के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर. तो आप इस स्टडी मटेरियल को अच्छे से यूज करो, PPT एज वेल एज इट इज ऑल्सो हैविंग द MCQ क्वेश्चंस. ये आपको आपके गूगल क्लासरूम में मिलेगा. आज मैंने इसको पोस्ट किया है 6:34 PM को. ठीक है, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है.